हम लोग कभी वंचित रहे, कभी बहिष्कृत रहे, कभी अछूत कहे गए। अछूत आखिर होता कौन? जिसके अधिकार छीन लिए जाते हैं, कोई बाई बर्थ नहीं होता अछूत। जैसे किसी रेप की पीड़िता का जो मन मस्तिष्क में जो विचार बनते हैं, वैसे ही एक दलित के मस्तिष्क के अंदर वो एहसास होता है। चांद की बात हो रही है, इसरो से चंद्रयान देखे जा रहे हैं और यहाँ गंगा जल से शुद्धिकरण भी चल रही है। हम लोगों की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आखिरी लड़ाई मतलब सारे अधिकार अब छीनने वाले हैं। एक ऐसा शब्द इस मुल्क में बन चुका है कि जैसे ही बहुजन नाम आता है, एक जाति विशेष सभी के मस्तिष्क में आ जाता है। जबकि सही मायने में बहुजन का मतलब बहुमत होता है और लोकतंत्र में बहुमत की ही विजय होनी चाहिए। तो बहुजन मैत्री का प्रोग्राम इसी क्रम में रखा गया है, जिसमें इस मुल्क के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज, शूद्र समाज और तमाम अकलियत समाज के लोग शामिल हैं, जिन्होंने इस मुल्क को बनाया है। बार बार संविधान की बात हो रही है, तो आखिर संविधान है क्या? इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो सम और विधान। सम मतलब समान, विधान मतलब नियम। तो ऐसा व्यवस्था जिसमें समान नियम हो, वह सभी के ऊपर समान रूप से लागू हो। कई क्रूर व्यवस्थाएं संविधान के माध्यम से खत्म की गईं, लेकिन उनकी चिंता इस बात पर थी कि इतनी सारी विषमताओं और इतनी सारी दिक्कतों और परेशानियों के बाद जो संविधान में दे रहा हूँ, उसमें जो सामाजिक गहराई है, आर्थिक गहराई है, हमारे गरीब, गुरबे, पिछड़े, दलित, इतनी बड़ी जो खाई बनी हुई है, वो कैसे भर पाएगी? इसीलिए उन्होंने समानता का सिद्धांत दिया। जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने के लिए हम लोग आम बोलचाल की भाषा में रिजर्वेशन कहते हैं, मैं उसको रिप्रेजेंटेशन कहता हूँ। और किसी भी सभ्य समाज में, खास करके लोकतांत्रिक व्यवस्था में, होनी ही चाहिए रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। तो बाबा साहब इस बात से खुश थे कि उनके नुमाइंदे जब सदन महापंचायत में बैठेंगे तो अपने समाज के लोगों की बातें करेंगे। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना दर्शाती है कि 73 वर्षों के बाद भी आप उस स्थिति में नहीं हैं कि संसद में जय भीम बोल सकें। एक भीम ने अगर हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के जीवन बदले हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस रोशनी को और बढ़ाया जाए, उस पथ पे आगे चला जाए। मेरी करीब 17 वर्ष 2 महीने 13 दिन की मैंने सेवा की है, न्यायिक सेवा, और जिस व्यवस्था में हम लोग जा रहे हैं उससे बहुत मन में मेरे पीड़ा है, बहुत तकलीफ है। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, अब यह दाल रोटी की व्यवस्था तो कर ली जाएगी, क्योंकि विधि का छात्र रहा हूँ, लेकिन समाज के लिए कुछ कर जाना है। मरना उसको भी है जो घर के अंदर है और जो बाहर है उसको भी मरना है, लेकिन कुछ करके हम लोगों को जाना है। जो दलित का जीवन है वो बहुत अजीबोगरीब तरह की स्थिति में पलता और बढ़ता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। हम लोग कभी वंचित रहे, कभी बहिष्कृत रहे, कभी ब्लैकआउट समाज कहे गए, कभी शोषित कहे गए, कभी हरिजन कहे गए, कभी अछूत कहे गए। अभी एक प्रचलित भाषा दलित चल रही है, जबकि बाबा साहब ने अपने संविधान में सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति ही लिखा था, अनुसूचित जनजाति ही लिखा था, लेकिन प्रचलित भाषा दलित, इधर भी आप लोग 2-4 वर्षों में देख रहे होंगे कि शूद्र बहुत तेजी से चल रहा है, प्रचलित भाषा शूद्र होते जा रही है। तो शूद्र का मतलब हम लोग समझते हैं कि जो ओबीसी है वो शूद्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है ओबीसी, और जो अछूत है वो शेड्यूल कास्ट है। तो अछूत आखिर होता कौन? जिसके अधिकार छीन लिए जाते हैं, कोई बाई बर्थ नहीं होता अछूत। पैदा होते
सब अपने घर में राजा बाबू और रानी पैदा होते हैं, लेकिन जब वो व्यवस्था में आता है तब उसको पता चलता है कि मैं अपवित्र हूँ। उसको समाज के ताने बाने में एक अलग सी फीलिंग कराई जाती है कि आप कुछ अलग सा हो, चाहे वो मोहल्ले में हो, चाहे वो कार्यालय में हो, चाहे न्यायालय के अंदर हो, न्यायालय के बाहर हो, चौराहे पे हो, जिस भी जो भी समाज का अंग है, जिस जगह पे है, वहाँ पर उसको एहसास कराया जाता है। और एहसास से उतना उसका डरा हुआ व्यक्ति तो रहता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जैसे किसी रेप की पीड़िता का जो मन मस्तिष्क में जो विचार बनते हैं, वैसे ही एक दलित के मस्तिष्क के अंदर वो एहसास होता है। दलित होना और अछूत होना आपके बस में नहीं है, किसी के बस में है कि कोई कहाँ पैदा हो। लेकिन हम लोगों को ऐसी व्यवस्था मिली जिसका संघर्ष इस जीवन में और आगे आने वाले जीवन में भी हम लोगों को करना होगा। बहुत सारे आरक्षण से अधिकारी, जज, कलेक्टर, सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी सब दे दिया, उसके बावजूद उसने पे बैक टू सोसाइटी पे काम नहीं किया है। मेरी शिकायत है उन सभी लोगों से जिन्होंने संविधान से उसका फल तो छका लेकिन अपने लोगों से दूर होते चले गए। मुझे बहुत बड़ी शिकायत है उनसे। आप हजारों जातियों में खंडित हुए हैं, हजारों जातियों में, इसलिए संगठित नहीं हो पा रहे हैं। और ये कभी नहीं सोचते कि जो बांटने वाले लोग थे उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो कहाँ पढ़ते हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, उनकी शारीरिक व्यवस्था कैसी है। और तमाम आपको ये सोचना चाहिए कि ये बांटने वाले लोग ये हैं कौन और इनके घरों से चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं। हम लोग आए दिन इस समय चूँकि सूचना की क्रांति हो चुकी है तो आए दिन देखते रहते हैं कि फलाने विधायक जी गए, फलाने मंत्री जी गए, फलाने राष्ट्रपति गए और वहाँ जाने के बाद मंदिर से बाहर धकेल दिया गया। विधानसभाओं में गंगा जल का भी छिड़काव किया जा रहा है, चांद की बात हो रही है, इसरो से चंद्रयान देखे जा रहे हैं और यहाँ गंगा जल से शुद्धिकरण भी चल रही है। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग को ध्वस्त करना है। भारत का पहला व्यक्ति अगर राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के साथ अगर ऐसा होता है तो उस मानसिकता को हम लोगों को कुचलना होगा, हिंसक होकर नहीं, संवैधानिक मर्यादाओं में। बाबा साहब से चीज हम लोगों को ये जरूर सीखनी चाहिए कि आप पूरे उनके जीवन में कहीं पर भी हिंसा नहीं देखते हैं आप, और इतनी बड़ी क्रांति कर दी। हम लोग को जरूरत नहीं है हिंसा का सहारा लेने की। हाँ, आत्मरक्षा जरूरी है। अब मैं थोड़ा मीडिया पे भी बोलना चाहूंगा। अगर आप गूगल से उठा के इस देश में 140 करोड़ की आबादी वाली देश जो 24 घंटे मीडिया रन करती है, उनके 20 जो टॉप के लोग हैं जो रात दिन घरों में अपने अपने प्रोडक्ट छोड़ रखे हैं, उनको अगर आप लोगों ने देखा होगा तो दिन रात जहर फैला रहे हैं। उनके मालिकों के नाम आप देखिए, कौन लोग मालिक हैं इसके। आप लोग एक बार जरूर देखिएगा कि इन मीडिया के मालिक कौन है और वो फिर कर क्यों रहे हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कर क्यों रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे संचार आपस में आदान प्रदान हो रहे हैं, अभी भी बहुत सारे न्यूज सेंसर्ड हो रहे हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट निकलता है जिस कंपनी का वो उसी तरीके से बिकेगा, तो जैसा मालिक चाहता है वैसा नौकर करता है। और हमें कहने में कोई हिचक नहीं है कि आज की तारीख में जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी वो सबसे ज्यादा प्राइवेट काम कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं जो पूंजीवाद में विश्वास करते हैं, जिनका कोई भी मानवता से लेना देना नहीं है। इसका समाधान क्या है, इसका संवैधानिक उपचार क्या है? जो हजारों वर्षों से जो त्रासदी झेली गई है उसके बाबत क्या संवैधानिक उपचार है? जो सामाजिक क्षतिपूर्ति हुई है उसका मुआवजा तो कोई दे नहीं सकता। जितने लोग आज साहब बहादुर बन के टाई लगाए हुए हैं और कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अगर 4 दशक 5 दशक और 3 जनरेशन अगर पीछे चले जाएंगे तो आपको वही झाड़ू दिखेगी कमर पे,
और गले में हड़िया दिखेगा, दिखता है कि नहीं इतिहास में आपको? तो उस व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोगों को एकमात्र हम लोगों को जो बाबा साहब देकर गए हैं वो है भारत का संविधान। इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, आप कुछ और हो सके तो ना पढ़िए, और पढ़ते हैं तो इसको छोड़कर कुछ ना पढ़िए, लेकिन जरूर एक बार पढ़िए भारत का संविधान। भारत का संविधान जो लोग आपका शोषण कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा इस समय पढ़ रहे हैं। और हम लोगों की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है, आखिरी लड़ाई मतलब सारे अधिकार अब छीनने वाले हैं। अब ईवीएम भी आ चुका है जो लोकतंत्र को पूरी तरीके से अपने काम किए जा रहे हैं, ईवीएम के विरोध में है या समर्थन में है? अब देखिए इतने लोग ईवीएम के विरोध में अपना हाथ उठा रहे हैं, मुश्किल से 10-5% लोग नहीं उठा पाए हैं। तो हम लोग उस व्यवस्था में आ चुके हैं कि आप कुछ भी करते रहिए लेकिन मशीन वही बोलेगी जहां व्यवस्था बनाई गई है। तो उसके लिए खुलकर बोलना होगा। और सारी ताकत कहां पे है? सारी ताकत संविधान में कहां पे मिली हुई है? 4 न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट के जून 2018 में पब्लिक के बीच में आकर क्या कहा था? उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। यह सुप्रीम कोर्ट में सिटिंग जजेस ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। वो सामान्य नहीं होते, उनकी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया से वहां तक गुजर के जाते हैं। उन लोगों ने बोला कि आप लोग वी द पीपल, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग संविधान की रक्षा करें और पूरी तरीके से रक्षा करें, अन्यथा सब कुछ खोने वाला है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।